जीना रुको। जी बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे भी आप दोनों से कुछ कहना है। मैं मानती हूँ कि कुछ दिन आप धोखे में रहे, लेकिन आप दोनों जानते हैं ना कि आप दोनों को दुख देना मेरा मकसद नहीं था। मैं जो हूँ असल में वो तो आप जानते हैं। अब तो अच्छी तरह जानते हैं। जो दिन तुम्हारी वजह से हमें देखने पड़े हैं, भगवान वो दिन किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। प्लीज पिताजी, आप अब भी मुझे गलत समझ रहे हैं। जो इज्जत और कद्र मेरे मन में आपके लिए है, उसमें कोई कमी नहीं और ना ही होगी। रहने दो, इज्जत और कद्र सब पर्दाफाश हो गया है। अब तुम्हारा असली रूप सामने आ गया है। तुम ही हो जो हमारे बेटे को हमसे अलग करना चाहती हो, वरना हमारा बेटा हमसे कभी अलग नहीं होना चाहता। सब तुम्हारी मर्जी का खेल है, खुद तो अलग होना ही चाहती हो तुम, हमारे बेटे को भी हमसे छीन रही हो। ऐसा नहीं है पिताजी, मैंने कोई जिद नहीं की सुधीर से, उनका भी मन है कि। एकदम चुप, एक शब्द मत बोलना। तुम दोनों को जहां जाना है जो करना है करो। जब तुमने हमारे सुधीर को ही हमसे छीन लिया थे, अब क्या बचा? जो मर्जी है करो। नहीं पिताजी, नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं चाहा। सुधीर सबसे पहले आपका बेटा है और फिर मेरा पति। कहीं पे बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। हाँ प्लीज मेरी बात समझिए, मैं समझाना चाहती हूँ। प्लीज पिताजी, पिताजी।